इस्पात मजदूर मोर्चा सीटू के तत्वावधान में बोनस, वेज रिविजन, पेंशन तथा ठेका मजदूरों के सवालों को लेकर सेक्टर 4 गांधी चौक पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रामनाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से बीडी प्रसाद, बीएन मिश्र, शशिकांत सिन्हा, आरएन सिंह, संदीप कुमार आस, केएन प्रसाद, बीपी सिंह आदि लोगों ने संबोधित किया। इस दौरान सभा में सैकड़ों मजदूर उपस्थित रहे। एक में फुर्सत नहीं मिलता है, एक में हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, हम छोड़ करके मेरे को कैंटीन में। आज का बोकारो में हमारा इस्पात मजदूर मोर्चा CITU का जो यूनियन है उसके तरफ से एक दिवसीय धरना आज के लिए सुबह 8 बजे से 7 बजे तक, और इस धरना का मकसद यही है कि हमारा अभी जो मजदूरों का रोज रोज समस्या बढ़ते जा रहे हैं, अभी देखेंगे कल बोनस का सवाल है, पिछले साल अच्छा यहाँ मुनाफा हुआ, इस साल भी BSL का मजदूर काफी मुनाफा कर, हालांकि मुनाफा के लिए मजदूर जिम्मेवार नहीं है लेकिन मेहनत करते हैं, मुनाफा नहीं पाता, इसमें BSL का भी और ठेका मजदूर का भी काम करते हैं। हम लोग का है कि सम्मानजनक बोनस 3 तारीख को मीटिंग होने वाला है सेल में, सम्मानजनक बोनस, सम्मानजनक का मतलब उनका जो पहले जो मिला था BSL का जो हाईएस्ट बोनस 18,000 मिला था, कम से कम उतना मिलता तो सम्मानजनक होगा, इसलिए हम लोगों ने मांग किया सम्मानजनक बोनस, और ठेका मजदूर बोनस का अधिकारी है वो बोनस कानून के अंदर में आते हैं, इसलिए उनको 20% बोनस उसको मिलना चाहिए, और वेज रिविजन जो रुका हुआ है उसको चालू होना चाहिए, 3 साल से वेज रिविजन रुका हुआ है, मजदूर को हर एक महीना नुकसान उसको कम से कम मिला, जो कम से कम 5,000 से लेकर 15,000 प्रति महीना एक एक मजदूर का नुकसान हो रहा है वेज रिविजन नहीं होने से वजह से, इसलिए वेज रिविजन लेकिन मैनेजमेंट ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लाउज लगाया 3 साल तक घाटा में चलेगा उसका हम रिविजन नहीं करेंगे, हम लोग इसका सख्त विरोध करते हैं, ये रिविजन होना चाहिए, वो घाटा में चल रहा मजदूर जिम्मेवार नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट का नीतिया या ये मैनेजमेंट जिम्मेवार है, मजदूर को अपना काम कर रहा है इसको। बोकारो के चंदन क्यारी विधानसभा में 4 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा के आगमन को लेकर बोकारो जिले के भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में जुटा हुआ है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले के सभी मंडल से लेकर सभी जन प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में लाने का जिम्मा दिया जाएगा, इस बात की जानकारी जिलाध्यक्ष विनोद महतो ने मीडिया से बात करते हुए दी, जहां महतो ने बताया कि 4 अक्टूबर को BJP कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा चंदन क्यारी आ रहे हैं, जहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही चंदन क्यारी में अटल पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी को जिम्मेवारी दी जा रही है ताकि तय कार्यक्रम ऐतिहासिक हो सके। उस कार्यक्रम के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का उद्घाटन होगा, वो मास मीटिंग है, ये सारे पूरे परमंडलीय कार्यक्रम के तहत ये मास मीटिंग है यहाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैसे जुटे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ हम लोगों को पार्टिसिपेशन हो, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधि, इस सारे लोगों से संपर्क, अभी 6 बजे फिर सभी लोगों के साथ हम बैठेंगे, क्योंकि पहली बार आ रहा है इसलिए हम लोग उनका स्वागत अच्छा से करें और भीड़ अच्छी हो, लगभग 15,000 से 20,000 की टारगेट हमारा है कि उस मैदान में हम लोगों को कार्यकर्ताओं का जुटान करेंगे।
बोकारो की संस्था हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डीपीएस बोकारो के प्राचार्य अवनिंद्र सिंह गंगवार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान हेल्पिंग हैंड्स के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उनका पुष्प देकर स्वागत किया। इस मौके पर गंगवार और राजेश ठाकुर रक्तदान करने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहित करते हुए इसे एक महान कर्म बताया। बताते चले कि हेल्पिंग हैंड संस्था की स्थापना 1 अक्टूबर के दिन आज से विगत 16 वर्ष पूर्व की गई है। इस मौके पर प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन अपने स्थापना दिवस के दिन किया जाता है। इस दौरान संस्था के सदस्यों के अलावा आम लोग रक्तदान का संस्था का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं गंगवार ने कहा कि रक्त का महत्व हमें यह आम लोगों को उस वक्त पता चलता है जब कोई अपना बीमार पड़ता हो, जिस वक्त हमें रक्त की आवश्यकता आन पड़ती है। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 15 वर्षों से हमारी संस्था रक्तदान करती आ रही है। इसका नतीजा यह है कि बोकारो में रक्तदान करने वालों की कमी नहीं है, इस कारण ब्लड बैंक में रक्त की कोई कमी नहीं रह गई। उन्होंने स्वीकार किया कि आज राजधानी रांची में जागरूकता की कमी के कारण ब्लड बैंक में रक्त का पूरा अभाव है। रांची की संस्थाएं लोगों को इस दिशा में जागरूक करें ताकि इस कमी को दूर किया जा सके, क्योंकि वहां ऐसी संस्थाएं बहुत पहल जितनी होनी चाहिए उतनी शायद नहीं कर पाई है। बराबर रिम्स की खबरें पढ़ता हूँ तो हमें लगता है कि वहाँ भी अवेयरनेस की जरूरत है और हम लोग लगातार इस काम में लगे हुए हैं। निस्वार्थ भाव से हमारे गोपाल मुरारका जी हैं, संस्थापक सदस्य हैं, वो लगातार इस मुहिम को चलाते रहे हैं और आने वाले समय में और इस मुहिम को हम लोग तेज करने जा रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल आए हैं डीपीएस के, स्कूल के प्रिंसिपल आने बुलाने का हम लोगों का मकसद ये रहता है कि कहीं ना कहीं बच्चों में एक अवेयरनेस हो, बच्चे अपने अभिभावकों से कहें कि ये रक्तदान जो है महादान है और इससे जीवन